इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका सबसे इजीएस्ट थ्योरम यही है कि आप उस आर्क पर सबसे जो दिया हुआ है उस पर एक चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो सेगमेंट होते हैं वो निकाल लो। तो हमने मान लिया कि इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, दोनों के बीच का, ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, इन दो के बीच में जो आर्क है पूरी की पूरी एक रॉड थी जिस पर हमने चार्ज दिया था क्यू, और उसको हमने थीटा पर मोड़ दिया और वो एक किसी एक पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल बनाने पर ए और बी दोनों का जो एक्सेस है हमने हाफ हाफ कर दिए हैं, तो यहाँ पर थीटा बाई टू, यहाँ पर थीटा बाई, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल 60 हो तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अगर इतना हो गया है ये, तो यहाँ से ये इतना हो गया थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। हमने मान लिया जो इसका एक स्मॉल सेगमेंट है, ये बहुत छोटा सा पार्ट एक है कोई, ये इतना, ये इसकी लेंथ है डीएल, ये डीएल लेंथ इस पर एक एंगल ड्रॉ कर रही है, वो एंगल है डी फाई मान लो, ठीक है। इसकी रेडियस जो हमने आर्क कर्व किया है उसकी रेडियस है आर, ये आर, यहाँ से ये आर, ये सारे सारे आर हैं, ठीक है। अगर ये सारे आर हैं तो यहाँ पर हमें, हमारे पास एक रूल है, एंगल इज इक्वल आर्क बाई रेडियस, यहाँ से डी एल कितना आ जाएगा, आर डी फाई, आर डी फाई आ जाएगा, ओके। अगर हमने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसकी लेंथ एल थी, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया है ये, इस पर स्मॉल चार्ज है डी क्यू, ठीक है, स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए इसकी लेंथ एल थी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था क्यू, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल। बट यहाँ पर हमने चार्ज सेगमेंट कितना लिया है, डी क्यू, तो उसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू इज इक्वल लैम्डा डी एल, ठीक है। अब नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका लैम्डा इंटू आर डी फाई, ये नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। अब यहाँ पर जो हमने सेगमेंट लिया है, इस सेगमेंट के लिए हमने मान लिया ये एंगल जो इतना छोटा सा बन रहा है, इस छोटे से डी क्यू ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो है डी फाई, सॉरी डी एक्स या डी ई मान लो, डी ई, ठीक है। इस डी ई के दो सेगमेंट हो सकते हैं, हमने माना यहाँ से ये एंगल जो डी फाई बना रहा था, ये एंगल है फाई, ठीक है, तो इधर आएगा ये एंगल फाई, इधर क्या जाएगा कॉस, नीचे की तरफ क्या जाएगा ई कॉस फाई, डी ई कॉस फाई, ये किस डायरेक्शन में है, तो जे डायरेक्शन में है, और ये जे जाता है वेक्टर फॉर्म, ये आई, ये नेगेटिव आई, ये नेगेटिव जे, तो ये हो गया हमारा जे, किधर की डायरेक्शन में, डी ई वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका इधर कौन सा फैक्टर जाएगा, इधर से जाएगा साइन फैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा डी ई साइन फाई जे, और सॉरी आई निगेटिव में, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई एक्स, डी वाई डी ई एक्स। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मानी है डी ई, इसलिए डी ई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डी एक्स डी ई एक्स प्लस डी ई वाई। इसका एक शॉर्ट थ्योरम भी है, अभी मैं बताता हूँ, वो नॉर्मल तरीके का बहुत ही ईजी है। तो डी ई कितना हो जाएगा, ये निगेटिव का, ये निगेटिव का, तो हमने निगेटिव बाहर कर लिया। डी ई जो दिया हुआ है यहाँ पर, इस डी ई की वैल्यू कितनी है, तो डी ई की वैल्यू ये है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर,
इस छोटे से भाग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है सेंटर ओ पर, इस ओ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा? हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल रखी है पहले से, लैम्डा आर डी फाइव बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा वो यहाँ पे लिख लो, के लैम्डा डी फाई, यहाँ पर देखो डी फाई बाई आर, ये हमारा क्या आ गया डी ई, इतना के लैम्डा डी फाई बाई आर। अब यहाँ पर हमने देखो डी ई एक्स, ये और ये दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं, तो इनके वैल्यू रख लो यहाँ पर, नेगेटिव ने पहले बाहर कर लिया, डी ई की वैल्यू रख ली हमने ये, और साइन फाई आई बचेगा यहाँ पर, साइन फाई आई प्लस का कॉस फाई जे, इतना बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे थीटा बाई टू और थीटा बाई टू से इंटीग्रेट कर देंगे, डी ई हो जाएगा यहाँ पर जीरो से ई, पहले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कितने कितने एंगल पर घूम रहा है, देखो यहाँ पर अगर हमें जीरो माना तो थीटा बाई टू जीरो, थीटा बाई टू तो दो भाग हैं सिमेट्रिक अकॉर्डिंग, तो दो भाग ले लो, चाहे तो दोनों को अलग अलग वो कर लो, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू कर लो, या टू जीरो टू थीटा बाई टू कर सकते हो, दोनों की वैल्यू इतनी आने वाली है। निगेटिव ये लगा हुआ है के लैमडा बाई आर साइन फाई, मैं यहाँ पर डी फाई भूल गया लिखने के लिए, साइन फाई आई प्लस कॉस हाई जे, ये हो जाएगा ई, निगेटिव का के लैम्डा बाई आर, ठीक है, साइन फाई डी फाई इंटीग्रेट। अब दो पार्ट में डिवाइड कर लो, नेगेटिव का थीटा बाई टू, पॉजिटिव का थीटा बाई टू, साइन फाई आई एक हो गया, प्लस का कॉस फाई जे, और यहां पर हो गया डी फाई, ये डी फाई, ये अब बताओ कितना हो जाएगा, नेगेटिव का के लैम्डा बाई आर, साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव ना, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का नेगेटिव कॉस फाई आई, लिमिट रख लो यहाँ पर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू प्लस कॉस का हो जाएगा साइन फाई, साइन फाई जे थीटा बाई टू और थीटा बाई टू, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो अपर लिमिट रखोगे यहाँ पर, ठीक है, कॉस जाएगा ये साइन में जाएगा, आई थिंक सब कुछ सही है, ई इक्वल, कुछ कट पिट रहा है देखो जरा, कॉस फाई बाई टू, अच्छा एक मिनट निगेटिव ले लेते पहले ही बाहर, माइनस का के लैम्डा बाई आर, रखो जरा अपर लिमिट हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू आई, निगेटिव का ये पॉजिटिव को नहीं, ये माइनस है ना, देखो निगेटिव चलो मैं बाहर कर लिया मान लो यहाँ से, तो अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट के साथ में कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हम निगेटिव कर ले रहे हैं, अभी बाद में क्रॉस कर लेंगे, ये निगेटिव हो गया। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर आ जाओ, प्लस
ये हो जाएगा साइन 5/2, यहाँ लिख लो आई कॉस 5/2 θ/2, और जे बाहर कर लो निगेटिव साइन के साथ में, साइन माइनस थीटा, माइनस का हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन θ/2 इतना प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब आई थिंक कुछ कटना चाहिए, कुछ कट रहा है आई यहाँ पर बाहर कर, अच्छा दो बार हो गया सॉरी, ये वाला आई बाहर कर लिया ना, ये दोनों कॉस कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो रहा है ना, ये दोनों कॉस कैंसिल हो गए, आई कैंसिल हो गया, जे बच गया यहाँ पर, निगेटिव साइन बच गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ई माइनस का निगेटिव के लैम्डा बाई आर इंटू टू साइन θ/2, टू साइन θ/2 और जे, ठीक है। ये निगेटिव उधर लिया तो ये कितना आ जाएगा, ई इक्वल 1/4π ε0 टू लैम्डा बाई आर साइन θ/2 जे निगेटिव का, ये। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला आया है वो है क्या, ये आर्क है, अगर हम थीटा को, थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी वैल्यू अब रखना स्टार्ट करें, ठीक है। ये तो हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया है कि इतना फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्शन में होती है, बट अगर हम इसको ऐसे एक्स वाई प्लेन में ना मान के जेड प्लेन में मान ले, एक्स प्लेन पे मान ले, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ फॉर्मूला जे वे के फॉर्म में नहीं आने वाला, नॉर्मल तरीके से आएगा। वो नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, तो नॉर्मल फार्मूला होगा ये, यहाँ से जे हट जाएगा, साइन θ/2 और सेम प्रोसेस में रहेगी ये, सब में इतना ही रहने वाला। अब दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट वाली, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, 180, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, कितना आने वाला है सोचो, अगर थीटा की वैल्यू 180 कर दी जाए, मतलब एक स्ट्रेट वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना स्प्रेड हो जाएगा, 180 पे यहाँ वैल्यू रखोगे 90, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2λr। अब 2λr आपने किस पे पढ़ा था सोचिए, एक सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर के लिए पढ़ा था ना, एक एल लेंथ के, इन्फिनिटी लेंथ के वायर के लिए, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम आर पॉइंट पे निकाल रहे थे, वो आर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसी है कि नहीं, ठीक है। अगर हम 360 ले लें थीटा, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी ना, 360 कैसी होती है, पूरा सर्किल हो जाएगा ना 360 के लिए, तो ऐसा, तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो होती है ना। अब देखो सब क्लियर हो रहा है ना, तो थीटा स्क्वायर अगर 180 रखें, 180, तो ई कितना आता था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 2λr। अगर थीटा स्क्वायर 360 रख दें तो जीरो आता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक गोला बना देता है ऐसा करके, ठीक है, और इस सेंटर पर जीरो ही होता है वो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमको, क्योंकि वो एक एल लेंथ के वायर के लिए बताता है ऐसे करके, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं यहाँ पर कनेक्टिव पे लिए। अब इसमें आता क्या है, यहाँ पर बोल दिया कि जो आर्क है वो